नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र, सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल में। साथियों, अपन डिस्कस कर रहे हैं जो राजस्थान में जो नए जिले 19 जिले बने हैं और 3 संभाग बने, उनके ऊपर रोजाना हम डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा जिला रहने वाला है वो है साथियों डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन आप मानचित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये नागौर का हिस्सा था, अब यहाँ पे इसको अलग ज़िले का दर्जा दे दिया गया है। इसकी सीमा की अपन बात करें तो चूरू, सीकर, यहाँ पे जयपुर ग्रामीण और अजमेर और नागौर, यानी कि अपन यहाँ बोल सकते हैं 5 जिलों की यहाँ सीमा लगती है। और साथियों, ये जो ज़िला है ये एक अंतर्वर्ती ज़िला है। कैसा ज़िला है? यह एक अंतर्वर्ती ज़िला है। अपन आगे पूरी बात करेंगे कि डीडवाना कुचामन ज़िला बनने के बाद में राजस्थान के जीके यानी कि भौगोलिक, कला, संस्कृति, ऐतिहासिक दृष्टि से क्या चेंजिंग हुए, उनको अपन पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे। क्लास आज की शानदार रहने वाली है, देखिएगा क्लास को अंत तक साथियों। अगला स्लाइड पर देखिएगा ज़िला डीडवाना कुचामन। यहाँ पे अपन जिला डीडवाना कुचामन की बात करें कि कितने इसमें उपखंड है और कितनी यहाँ पे इसमें तहसील है। देखिएगा साथियों, यदि उपखंड और तहसील की अपन बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले उपखंड की बात करेंगे। यहाँ पे इसमें डीडवाना हो जाएगा आपका, लाडनू हो जाएगा, परबतसर हो जाएगा साथियों, और मकराना हो जाएगा, और नावा हो जाएगा, और कुचामन सिटी हो जाएगी। यानी कि अपन यहाँ आपके सामने बोल सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 6 जो उपखंड है उसको शामिल किया गया है यहाँ पे। और तहसील की अपन बात करें आपके सामने, डीडवाना, मौलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन साथियों यहां पे आपका शामिल रहेगा। यह नागौर जिले को तोड़कर बनाया गया। देखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जा सकता है ये किसका हिस्सा था पहले, तो यह नागौर जिले को तोड़कर बनाया गया। इसमें 6 उपखंड और 8 तहसीलें इसमें शामिल है। यह अब वर्तमान में अजमेर संभाग में यह स्थित है। आगे देखिएगा साथियों, इसके अलावा डीडवाना कुचामन के बात अपन पढ़ रहे हैं। इस जिले की सीमा राज्य के 5 जिलों से लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे सबसे देखिएगा कौन से वो 5 जिले हैं जहाँ पे इनकी सीमा छूती है। सीकर हो जाएगा आपका, चूरू हो जाएगा, नागौर हो जाएगा, अजमेर और जयपुर ग्रामीण। तो साथियों, ये 5 जिले की सीमा बनाता है। यह इंपॉर्टेंट बात, ये देखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट बात है ये, यह जिला अंतर्वर्ती जिला है, यह अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है। देखिएगा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके यहाँ पाकिस्तान के साथ में लगती है, और इसके अलावा अंतर्राज्य जो सीमा है राज्य 5 राज्यों की सीमा से होती है राजस्थान के साथ में, यानी कि किसी भी राज्य किसी भी देश के साथ में यह सीमा नहीं बनाता है। ये कैसा है? यह एक अंतर्वर्ती जिला है साथियों, इंपॉर्टेंट तथ्य है आपके सामने ये। अब आगे देखिएगा डीडवाना कुचामन की अपन बात ही कर, यहाँ देखिएगा उपनाम इसका क्या हो जाएगा, उपनाम इसका नागौर की शिक्षा नगरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? नागौर की शिक्षा नगरी के रूप में भी इसको जाना जाएगा। और मारवाड़ का सिंह द्वार हो जाएगा इसका उपनाम, और शेखावटी का तोरण द्वार हो जाएगा, ये इसके उपनाम है। आप इसके उपनाम भी आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में सीधे ही आपसे पूछे जाते हैं। डीडवाना जो नया जिला बना है इसका नामकरण यदि अपन बात करें तो डीडू शासक था उसके नाम पे ही इस जिले का नामकरण हुआ है, डीडवाना कुचामन। आगे देखिएगा, इसके अलावा सर्वाधिक यहाँ पे खारे पानी की झीलों वाला जिला ये माना जाता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। यदि आपसे पूछे एग्जाम में कि खारे पानी की जो झीलें हैं वो सर्वाधिक कौन से जिले में हो जाएगी, तो सर्वाधिक जो डीडवाना कुचामन है उसके अंदर ये खारे पानी की झीलें हो जाएंगी साथियों। ये ध्यान रखिएगा, ये जो क्षेत्र है ये 33 सागर का अवशेष है, जो सागर का अवशेष होता है वहाँ पे खारे पानी की झीलों के अवशेष पाए जाते हैं। अब डीडवाना कुचामन जिले में खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है देखिएगा साथियों, यहाँ पे अपन सबसे बात करें पहले, यहाँ डीडवाना झील हो जाएगी, उसके अलावा कुचामन झील हो जाएगी, इसके अलावा नावा झील हो जाएगी। तो साथियों, ये 3 प्रमुख झीलें हैं, इनके बारे में एक एक करके अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा देखिएगा साथियों, यहाँ पे डीडवाना झील, डीडवाना जो झील है डीडवाना कुचामन जिले में है। देखिएगा साथियों, ये पहले नागौर के अंदर थी, ये पहले नागौर के अंदर थी, लेकिन अब वर्तमान आपसे पूछा जाए तो ये है कहाँ पर, वर्तमान में ये डीडवाना कुचामन जिले में है। यह एक कैसी है? यह एक खारे पानी की झील है साथियों। कैसी है? ये खारे पानी की झील है। इससे
खालदाल झील के नाम से भी जाना जाता है साथियों। कौन से नाम से जाना जाता है? खालदा झील के नाम से इसको जाना जाता है। इस झील में नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक रहती है। सोडियम सल्फेट की मात्रा जहां अधिक रहेगी वो जो नमक होता है वो खाने योग्य नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, सोडियम सल्फेट की मात्रा जिस नमक में ज्यादा होगी वो खाने योग्य नहीं होगा। तो इस नमक का फिर उपयोग क्या किया जाता है? इस नमक का उपयोग अपन देखें तो कागज उद्योग में इसका नमक का उपयोग किया जाएगा, और इसके अलावा चमड़ा उद्योग में भी इस नमक का उपयोग किया जाता है। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि कागज तथा चमड़ा उद्योग में सोडियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, इसमें वाष्पीकरण विधि द्वारा नमक तैयार किया जाता है। यानी कि अपन बोल सकते हैं डीडवाना जो झील है इसमें वाष्पीकरण विधि द्वारा नमक तैयार किया जाता है। वाष्पीकरण विधि क्या होती है साथियों? यहाँ पे इसको इस क्यारिया बना के अलग अलग यहाँ पे रख दिया जाएगा, और जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण के द्वारा इसका क्या होगा, जो पानी होगा, जो सही पानी होगा यानी कि मीठा पानी होगा, वो भाप के द्वारा चला जाएगा, और पीछे जो बचेगा वो साथियों नमक के रूप में बचेगा। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे अपन बात करें देवल, देवल साथियों नमक बनाने वाली एक संस्था है, और एक देशवाल की अपन बात करें यहाँ पे इस जाति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी जाति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है यहाँ पे डीडवाना झील में, तो देशवाल जाति है उसके द्वारा यहाँ पे नमक तैयार किया जाता है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स यहाँ पे आपको साथियों ये कंपनी कार्यरत है, तो इस कंपनी की अपन बात कर लेते हैं। 1960 में यह स्थापित हुई थी, 1964 में इसने अपना कार्य प्रारंभ करना शुरू किया था। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के द्वारा यहाँ पे नमक का उत्पादन किया जा रहा है। नमक का ज्यादातर उत्पादन या तो अपने उद्योग चमड़ा उद्योग या कागज उद्योग में किया जाता है। इसके अलावा ज्यादा जो नमक बच जाता है उसको क्या किया जाता है साथियों? उसका निर्यात किया जाता है, अन्य देशों को बेच दिया जाता है। तो वो अन्य देश कौन सा है जो महत्वपूर्ण हो जाएगा हमारे लिए? तो वो नाम हो जाएगा जापान को साथियों। ये डीडवाना जिले से जो भी नमक निकलता है वो जापान को यहां पे निर्यात किया जाता है साथियों। इसके अलावा देखिएगा, अब बात करेंगे नवा झील की। नवा झील की अपन बात करें तो ये भी डीडवाना कुचामन का ही एक पार्ट है। तो अब नया जिला जो बनने का डीडवाना कुचामन, अब ये नवा झील जो है डीडवाना कुचामन में ही चले गई है। यह है खारे पानी की झील है साथियों, ध्यान रखिएगा ये सभी खारे पानी की ही झील है। यहाँ नमक परीक्षण प्रयोगशाला क्या है साथियों? यहाँ नमक परीक्षण प्रयोगशाला, यदि आपसे पूछे राजस्थान में नमक परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो साथियों आपका आंसर होगा डीडवाना कुचामन, यानी कि नवा जिला लगा सकते हैं। यहां बात करें मेंथा नदी, मेंथा नदी साथियों यहां डीडवाना कुचामन में ही प्रवाहित होती है। यह जयपुर से निकलती है और सामर झील में अपना पानी गिराती है। तो इसी के किनारे अपन बात करें लूणवा जो जैन तीर्थ है वो ही इसी यानी कि वो लाडनू के अंदर है। लाडनू साथियों मेंथा नदी यानी कि डीडवाना कुचामन जो अपना झील अपनी सीमा है उसी के अंदर यह नदी बहती है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यदि आपसे पूछे डीडवाना कुचामन कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो आपका आंसर होगा मेंथा नदी के किनारे, और लूणवा जो जैन तीर्थ है साथियों वो इसी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा अपन डीडवाना कुचामन की बात करें कि डीडवाना कुचामन को जलापूर्ति कहां से होगी, यानी कि पीने वाला पानी कहां से मिलेगा? पीने वाला पानी साथियों आईजीएनपी की पन्नालाल बारूपाल जो लिप्त नहर है, लिप्त नहर साथियों देखिएगा एक शाखा होती है। क्या होती है साथियों? एक होती है आपकी शाखा। शाखा में क्या होता है साथियों? शाखा में सीधे जो आपके गेट होते हैं वो खोल दिए जाते हैं और पानी चला जाता है। और एक तरफ से क्या होता है साथियों? एक तरफ से जो नहर के ये किनारा होता है ये ऊंचा होता है। अब यहाँ पे पानी को लिफ्ट किया जाएगा फिर आगे भेजा जाएगा। तो वैसे ही ये बारूपाल जो लिफ्ट है साथियों उसी के द्वारा इसको यहाँ पे डीडवाना कुचामन को जलापूर्ति हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है साथियों, अंत तक बने रहिएगा। क्लास आपको कैसे लगे था मुझे कॉमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं खनिज की। देखिएगा साथियों यहाँ खनिज कौन सा? सफेद संगमरमर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, सफेद संगमरमर मार्बल साथियों ये मकराना के अंदर है। देखिएगा साथियों यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस मकराना में कौन से खनिज का उत्पादन होता है, तो सफेद संगमरमर का होता है साथियों। इस सफेद संगमरमर की विशेषता क्या है? इसमें कैल्साइट की मात्रा क्या होती है? कैल्साइट की मात्रा अधिक होती है साथियों। यहाँ पे जो भी आपको मार्बल मिलेगा उसके जो सफेदपन है वो अधिक समय तक आपको देखने को मिल सकता है। और वैसे एग्जाम्पल की बात करें कि यहाँ पे जो सफेद संगमरमर है ये कहाँ कहाँ यूज हुआ है, मोस्टली अपन बात करें तो ताजमहल और विक्टोरिया महल के अंदर इसका उपयोग हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ का मार्बल है ना वो व्हाइट ही रहता है ज्यादातर, इसका मटमैला कलर जो होता है वो नहीं रहेगा, व्हाइट ही रहता है। अब बात करें इसके अलावा बड़ू गांव, बड़ू गांव साथियों डीडवाना कुचामन में है। बड़ू गांव की विशेषता क्या है?
चमड़े की जूतियां के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिएगा साथियों, चमड़े की जो जूतियां हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी से निर्मित खिलौनों के लिए भी ये साथियों प्रसिद्ध है। कौन सा गांव है? बडू गांव। देखिएगा इंपोर्टेंट बन सकता है। बरुण गांव है साथियों, ये डीडवाना कुचामन के अंदर ही है। यहाँ पे पर्वतसरी बकरी के लिए प्रसिद्ध है ये बरुण गांव। पर्वतसरी जो बकरी है ये कौन से गांव में है? ये बरुण गांव के अंदर है। अब बाजवास गांव की अपन बात करें तो यह बकरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा गांव है? बाजवास गांव। आगे देखिएगा, इसके अलावा वीर तेजाजी पशु मेला लगाइएगा साथियों, इसको आप यहां पे स्टार तेजाजी पशु मेला अपन बात करें। पर्वतसर जो पहले नागौर का हिस्सा था, अब डीडवाना कुचामन का हिस्सा हो गया। यहाँ आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं कि अब ये डीडवाना कुचामन का हिस्सा है। 1734 ईस्वी के बाद बात करें कि पूर्व ये कहाँ पे पशु मेला लगता था, ये पनेर अजमेर में लगता था। और मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह साथियों। कौन थे? अभय सिंह के समय इस मेले की शुरुआत पर्वतसर में हुई थी 1734 से लगाकर। यानी कि 1734 से पहले ये पनेर में लगता था और 1734 के बाद में ये कहाँ लग रहा है? अब ये लग रहा है पर्वतसर यानी कि डीडवाना कुचामन में। अब यहाँ पे ये मेला जो लगता है, ये मेला लगता कब है? ये आपके लिए इंपोर्टेंट तथ्य है। ये जो मेला है ये कब लगता है? ये श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक ये मेला बढ़ता है। इंपोर्टेंट लगाइएगा साथियों, ये सारा जो वीर तेजाजी से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। आगे देखिएगा, अब है खारिया तालाब। खारिया तालाब है कहां पर साथियों? पर्वतसर। पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर ये खारिया तालाब है। कुराड़ा सभ्यता, कुराड़ा सभ्यता के बारे में अपन पढ़ते हैं तो कुराड़ा सभ्यता पहले ये नागौर में थी साथियों, अब ये पर्वतसर डीडवाना कुचामन जिले में शामिल हो जाएगी। साथियों कुराड़ा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। 1934 ईस्वी में इसकी खोज करी थी। यह एक ताम्र युगीन सभ्यता है। यह कैसी सभ्यता है? यह ताम्र युगीन एक सभ्यता है। इसके अलावा देखिएगा साथियों, राणाबाई का मंदिर, राणाबाई का मंदिर हरनावा गांव पड़ता है साथियों। पर्वतसर, पर्वतसर यानी कि डीडवाना ये कुचामन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा साथियों? ये डीडवाना कुचामन में हो जाएगा वर्तमान में अपन बात करें तो। राजस्थान की दूसरी मीरा है साथियों राणाबाई। देखिएगा साथियों, राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से कौन विख्यात है? राणाबाई। अब इनके पिता का नाम था राम गोपाल, माता का नाम था गंगाबाई और गुरु कौन थे? चतुरदास। इनके गुरु का नाम था, ये कृष्ण भक्ति में साथियों लीन थे और इन्होंने जीवित समाधि ली थी साथियों, जीवित समाधि ली थी राणाबाई। तो राणाबाई का मंदिर पूछे तो आपसे डीडवाना कुचामन में हो जाएगा। अब है कर्माबाई साथियों, ये कर्माबाई का भी संबंध अपने डीडवाना कुचामन से हो जाएगा क्योंकि साथियों कालवा गांव की रहने वाली थी। कालवा गांव यानी कि मकराना, मकराना यानी कि डीडवाना कुचामन। भगवान श्री कृष्ण के हट पूर्वक भोजन करवाया था साथियों, एग्जाम में पूछा जाता है भगवान श्री कृष्ण को हट पूर्वक भोजन करवाने वाले कौन थी? तो कर्माबाई थी। इन्हीं को शेखावटी की मीरा भी कहते हैं। किसी को कहते हैं साथियों? कर्माबाई को शेखावटी की मीरा भी कहते हैं। केवाई माता का मंदिर साथियों, इंपॉर्टेंट तथ्य है केवाई माता का मंदिर। ये किनसरिया गांव है पर्वतसर के अंदर, वहां पे इनका मंदिर है। ये आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया है किनसरिया गांव। तो यहाँ देखेगा साथियों, एक शिलालेख है जहाँ पे सांबर के चौहान वंश की जानकारी मिलती है। निर्माण यदि केवाई माता मंदिर का निर्माण पूछे आपसे तो 999 ईस्वी में हुआ था। चौहान शासक दुर्लभराज के सामंत हुआ करता था चचदेव, उसने इसका निर्माण करवाया था। सीढ़ियों की बात करें यहाँ पे, सीढ़ियाँ साथियों 1121 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे कितनी है? 1121 सीढ़ियों। यदि केवाई माता के अपन बात करें तो केवाई माता किस वंश की कुलदेवी हो जाएगी? ये दहिया या दधीची इस वंश की ये क्या हो जाएगी? कुलदेवी हो जाएगी। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय की अपन बात करें तो इनकी जो प्रधान पीठ है वो प्रधान पीठ गाडावास गांव में पड़ता मकराना के अंदर, वहां पे इनकी प्रधान पीठ हो जाएगी। संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे संत हरिदास जी। संत हरिदास जी यहाँ के संस्थापक है निरंजनी संप्रदाय के। ये सगुण व निर्गुण भक्ति से संबंधित ये संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय। हरिदास जी, हरिदास जी की बात अपन बात करें, हरिदास जी ने संस्थापक अपने यानी कि कौन संप्रदाय चलाया था? निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी ने चलाया था। अब हरिदास जी के संबंध भी अपने यहाँ डीडवाना कुचामन से ही है। ये कापड़ोद के रहने वाले थे डीडवाना कुचामन में जो वर्तमान में है। गुरु इनके हड़बू जी सांखला थे। कौन थे साथियों? गुरु कौन थे इनके? हड़बू जी सांखला। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे देखिएगा, ये पहले क्या थे? पहले साथियों डाकू हुआ करते थे। अब इनके ग्रंथ पूछे जाते हैं एग्जाम में। ग्रंथ एक तो हरि पुरुषवाणी हो जाएगा, हरि या आपको आप पहचान पाएंगे हरि के नाम से भी, हरि पुरुषवाणी हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? मंत्र राज प्रकाश इनका दूसरा ग्रंथ हो जाएगा। दोनों ग्रंथ एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और इन्हें राजस्थान कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं। ये आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, राजस्थान कलयुग का वाल्मीकि कौन है? तो कलयुग का जो वाल्मीकि है वो है साथियों हरिदास जी, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया था।
आगे देखिएगा गिंगोली का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गिंगोली का जो युद्ध है वो परबत्सर यानी कि डीडवाना नागौर के अंदर, ये डीडवाना कुचामन के अंदर होता है साथियों। ये होता युद्ध कब है, 12 मार्च 1807 ईस्वी में युद्ध होता है। अब ये युद्ध होता किस किस के मध्य है साथियों, किस किस के ये मध्य युद्ध होगा, यह जगत सिंह यानी कि जयपुर का शासक था जगत सिंह व जोधपुर का शासक था मान सिंह, इनके मध्य युद्ध होता है। अब ये युद्ध होने का रीजन क्या था, रीजन साथियों मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाह को लेकर था। कृष्णा कुमारी साथियों मेवाड़ का शासक था भीम सिंह, उसकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी, और यहाँ पे इनका विवाह जो तय हुआ था जोधपुर के ही भीम सिंह का साथ में तय हुआ था। भीम सिंह साथियों जोधपुर का शासक था, उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में साथियों जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ में इसकी विवाह हो जाता है, यानी कि कृष्णा कुमारी ही सारा यहाँ पे इस युद्ध का कारण हो बनी थी साथियों। आगे देखिएगा इसके अलावा खुंडियावास मेला की अपन बात करें, खुंडियावास मेला ये इंपॉर्टेंट है साथियों, राजस्थान का मिनी देवरा कहलाता है ये, ध्यान रखिएगा साथियों राजस्थान का मिनी देवरा खुंडियावास मेला। यह डीडवाना कुचामन तथा अजमेर की सीमा में ही भरता है, दोनों यानी कि डीडवाना तथा अजमेर दोनों की सीमा के अंदर ये भरता है। ये भरता कब है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लगाकर एकादशी तक यानी 11 तक ये भरता है भाद्रपद शुक्ल की। अपन बात करें आचार्य तुलसी जी का, आचार्य जो तुलसी जी थे इनका भी संबंध साथियों डीडवाना कुचामन यानी कि लाडनू से था इनका संबंध। तेरापंथी संप्रदाय के नौवें साथियों, ये नौवें आचार्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, देख लीजिएगा लगा लीजिएगा इसको स्टार भी आप, तेरापंथी संप्रदाय के नौवें आचार्य थे। इन्होंने अणुवर्त आंदोलन चलाया था साथियों, अणुवर्त आंदोलन जो चला था वो चुरू के अंदर सरदार सर साथियों स्थान पड़ता है, सरदार शहर साथियों, सरदार शहर चुरू के अंदर इन्होंने अणुवर्त आंदोलन चलाया था आचार्य तुलसी जी ने। इसके अलावा बात करें कुचामनी ख्याल की, कुचामनी ख्याल साथियों ये भी आपका डीडवाना कुचामनी आपका हो जाएगा जिला, और इसके प्रवर्तक थे लच्छी राम। कुचामन दुर्ग की अपन बात करें ये इंपॉर्टेंट है, डीडवाना कुचामन के अंदर ये दुर्ग बना हुआ है, ये गिरी दुर्ग या एरन दुर्ग की श्रेणी में इसको रखा जाता है। निर्माण देखिएगा साथियों, निर्माण ठाकुर जालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसे जागीर दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, जागीर दुर्गों का क्या कहते हैं, इनके सिरमौर कहते हैं, ये इसका उपनाम हो जाएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे देखिएगा डाबडा कांड साथियों, डाबडा कांड की अपन बात करें तो डीडवाना कुचामन में ये डाबडा कांड हुआ था 13 मार्च 1947 को, ये डाबडा कांड होता है। यहाँ 700 पुष्करणा ब्राह्मण परिवार को यहाँ से निकाल दिया गया था, मथुरा दास माथुर की अध्यक्षता में यहाँ एक सम्मेलन होता है। तो साथियों डाबडा कांड भी कहाँ पे संबंध हो जाएगा, डीडवाना कुचामन से इनका संबंध हो जाएगा। अब बात करें बाल मुकुंद बिस्सा की, देखिएगा साथियों बाल मुकुंद बिस्सा साथियों स्वतंत्रता सेनानी थे, मारवाड़ प्रजामंडल से इनका संबंध हो जाएगा। ये भी कहाँ के रहने वाले हैं, परबत्सर डीडवाना कुचामन के रहने वाले हो जाएंगे। 19 जून 1942 को मुख्य अपने भूख हड़ताल के कारण इनको जेल में क्या हो गया था साथियों, इनकी मृत्यु हो गई थी यानी कि ये शहीद हो गए थे, भूख हड़ताल इन्होंने करी थी जेल के अंदर 19 जून 1942 को। राजस्थान का यति जतिन दास इसे कहते हैं साथियों, बाल मुकुंद जो आपका बिस्सा है इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, जतिन दास कहते हैं, ये आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। अब आगे देखिएगा लक्ष्मी नारायण झूला का मेला, ये आपका मोलासर यानी कि डीडवाना कुचामन में बढ़ता है, ये श्रावण माह में ये मेला बढ़ता है। इसके अलावा देखिएगा कुचामनी टकसाल की अपन बात करें, कुचामनी टकसाल साथियों डीडवाना कुचामन में हो जाएगी। कुचामनी सिक्के यानी टकसाल ऐसे हैं जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं, तो मारवाड़ रियासत की टकसाल ये मानी जाती थी कुचामनी टकसाल, तो अब ये वर्तमान में डीडवाना कुचामन में हो जाएगी। अब देखिएगा इसके अलावा गोल्डन जो पेंटिंग है वो कुचामन की ही प्रसिद्ध हो जाएगी आपकी। तो साथियों ये क्लास आपको कैसे लगी, यहाँ तक जितने भी मैंने आपको बताया है साथियों ये आप थोड़ा चेंजिंग कर लीजिएगा आपके राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति और भौगोलिक दृष्टि से। साथियों नया जिला बनने के बाद में ये सारी चीज़ें चेंजिंग हुई हैं, तो अपने आपको साथियों प्रिपेयर कर लीजिएगा, जो भी नेक्स्ट एग्जाम होते हैं साथियों यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। साथियों ये एक ऐसा जिला है जो आर्थिक दृष्टि से साथियों मजबूत जिला है। तो आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, यदि अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।